दुनिया में घरगुती काम को लेकर कई विवाद सामने आते हैं और अल्फाजी घमासान भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली बिहान चौरसिया झोपड़पट्टी क्षेत्र से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां खाना बनाने के विषय में हुए विवाद में मृतक के साथियों ने उसके सर कुचल कर हत्या कर दी। दरअसल बिहान क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ ठेकेदार सचिन मोटकरी उम्र 50 साल के देखरेख में कई लेबर काम करते हैं, जिनके रहने की व्यवस्था निकटतम चौरसिया झोपड़पट्टी की झुग्गियों में करती है। वैसे ही मृतक लंबू समेत उसके लेबर साथी जितेंद्र राउत 36 वर्षीय मूल छत्तीसगढ़ निवासी, दीपक बालाघाट निवासी एवं अखिलेश सहारी उम्र 29 साल बालाघाट निवासी एक साथ ही रहते थे, जहाँ खाना बनाने के लिए जोड़ियां निर्धारित की गई थी, जिसके तहत दो व्यक्ति सुबह का खाना तो वही दो शाम का खाना पकाते थे। कल शाम मृतक लंबू और उसके साथी की खाना बनाने की बारी थी, उसी तरह लंबू ने मटन बनाया और रोटी बनाने के लिए अपने सहकारी को बोला, लेकिन उसने रोटियां बनाने से मना कर दिया। उसी बीच इस बहस ने हाथापाई का स्वरूप ले लिया। झुग्गियों में चल रहे झगड़े की भनक ठेकेदार को लगी, तभी ठेकेदार सचिन मौके पर पहुंचे और दोनों के बीच सुलह किया, किंतु सब सो जाने के बाद तकरीबन देर रात 12:30 से 1 के बीच लंबू के सहकारी ने एक पत्थर से उसका सर कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही सोनेगांव पुलिस ने अखिलेश सहारे और जितेंद्र राउत को गिरफ्तार किया है, तो वही दीपक फरार है। जब पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने इस घटना को तीनों मिलकर अंजाम देने की बात कही है, जिस दिशा में जांच जारी है तो वही दीपक की खोजबीन भी जारी है। लेबर झोपड़पट्टी डीएमएस शाळेच्या पाठीमागे लेबर कॅम्प आहे, तिथे चार लेबर राहत होते। त्यांच्यामध्ये रात्री काल रात्री जेवण बनवण्याच्या कारणावरून आपापसात झगडा झाला, तीन लोकांनी मिळून एकाला मारलं आणि त्या तीन दोघे आम्ही ताब्यात घेतले आहेत आणि गुन्ह्याचा तपास गुन्हा दाखल आहे सदरबाबत, त्यामध्ये दोन लोकांना आम्ही ताब्यात घेतले आहे आणि पुढील तपास आम्ही चालू आहे। सदरचे लेबर हे एक 8 दिवसापासून सदर ठिकाणी काम करत होते, ते वेगवेगळ्या ठिकाणचे राहणारे आणि कडिया काम करणारे असे आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।